Welcome back, my dear kids. How are you? I hope you all are fine. Today we are going to start another chapter of our SST book by Brainroot series. The name of our book is Jelly Bean Journeys in Social Studies, Class 1. आज हम अपना चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे और हमारे चैप्टर का नाम है द फूड वी ईट, खाना जो हम खाते हैं. जब भूख लगती है हम खाना खाते हैं और हमें जीने के लिए खाने की आवश्यकता होती है. बिना खाना खाए हम जीवित नहीं रह सकते. चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं. सम एंड सब्सटेंस. इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे व्हाई डू वी नीड फूड, हमें खाना क्यों चाहिए. जंक फूड, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन के बारे में आप पढ़ेंगे. मील्स इन अ डे, वाटर एंड गुड ईटिंग हैबिट्स के बारे में आप पढ़ेंगे. सो बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, फर्स्ट वी विल डू वन एक्टिविटी. लुक एट दीज पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम्स. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं, आपको उनके नाम लिखने हैं. जैसे पहली पिक्चर है फ्रूट्स की, तो आप यहाँ पे फ्रूट्स लिखेंगे. देन वेजिटेबल, मिल्क एंड देन स्प्राउट. तो बच्चों ये एक्टिविटी आप खुद करेंगे. व्हाई डू वी नीड फूड, हमें खाना क्यों चाहिए. वी नीड फूड टू लिव एंड ग्रो. फूड मेक्स अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. हमें जीने के लिए और बढ़ने के लिए खाना चाहिए. खाने से हम स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनते हैं. इट गिव्स अस एनर्जी टू स्टडी, प्ले एंड वर्क. किसी भी काम को करने के लिए हमें ताकत चाहिए और वो ताकत हमें खाने से मिलती है. वी शुड ऑलवेज ईट क्लीन एंड फ्रेश फूड. हमें हमेशा साफ और ताज़ा खाना खाना चाहिए. नाउ वी विल लर्न अबाउट मील्स इन अ डे, कि हम दिन में कौन कौन सी मील्स लेते हैं. वी ईट डिफरेंट मील्स थ्रू आउट द डे, लाइक ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर. हम सब दिन में अलग अलग मील लेते हैं. हम नाश्ता करते हैं, दोपहर का भोजन करते हैं और रात का भोजन करते हैं. तो हम दिन में मेन 3 मील्स लेते हैं. मील्स कैन इंक्लूड वेजिटेबल्स, राइस, फ्रूट, मिल्क और मीट लाइक चिकन, फिश एंड एग्स, डिपेंडिंग ऑन द प्रेफरेंस. खाना जो हम खाते हैं उसमें क्या होता है, उसमें दाल, सब्जी, चावल, रोटी और क्या होता है. जो लोग नॉन वेज खाते हैं, मतलब मांस अंडा खाते हैं, उनके खाने में वो भी शामिल होता है. नाउ वी विल लर्न अबाउट ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट क्या है और कब करते हैं. ब्रेकफास्ट इज द फर्स्ट मील ऑफ द डे. दिन की सबसे पहली मील ब्रेकफास्ट होती है, मतलब हम सुबह क्या करते हैं, नाश्ता करते हैं. वी हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग. नाश्ता हम दिन के समय करते हैं, सुबह के समय करते हैं. नाउ इंटरप्रिटेशन. डू नॉट मिस योर मील्स. योर बॉडी नीड्स फूड टू वर्क. कभी भी अपनी मील्स को स्किप नहीं करना चाहिए. आपकी बॉडी को ताकत चाहिए काम करने के लिए, तो वो ताकत कहाँ से मिलेगी, हमें फूड से मिलेगी. वन मोर इंटरप्रिटेशन. आर ब्रेकफास्ट मस्ट ऑलवेज बी हेल्दी. हम जो नाश्ता करते हैं वो कैसा होना चाहिए, सेहत से भरपूर होना चाहिए. बहुत हेल्दी नाश्ता हमें करना चाहिए. ये नहीं कि नाश्ते में आप बर्गर पिज़्ज़ा खाएं, नहीं, हमेशा नाश्ता हेल्दी कीजिए. लंच. लंच इज द मील वी हैव इन द आफ्टरनून. लंच क्या है, वो खाना जो हम दोपहर के समय खाते हैं. डिनर. डिनर इज द लास्ट मील ऑफ द डे. वी हैव डिनर एट नाइट. दिन का सबसे आखिरी भोजन डिनर होता है और डिनर हम कब करते हैं, रात को करते हैं. नाउ वी विल लर्न अबाउट जंक फूड. आप सब बच्चों को बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन खाना अच्छा लगता है, तो इस तरह का जो फूड होता है वो जंक फूड कहलाता है. सम फूड्स लाइक बर्गर्स, चाउमीन एंड पिज़्ज़ा आर टेस्टी बट नॉट हेल्दी. बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन होते तो बहुत स्वादिष्ट हैं, लेकिन वो हमारी सेहत के लिए अच्छे
नहीं होते। दीज आर कॉल्ड जंक फूड, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें जंक फूड कहते हैं। एंड इट इज़ द बेस्ट टू ईट देम ओनली ओकेशनली, ये अच्छा है कि आप इस तरीके का खाना कभी कभी खाएं, डेली नहीं खाना चाहिए, वंस इन अ मंथ और ट्वाइस इन अ मंथ आपको ये खाना खाना चाहिए। नाउ वी विल लर्न अबाउट वाटर। वाटर किसे कहते हैं, पानी को। बच्चों जिस तरह हमें जीने के लिए भोजन की आवश्यकता है, उसी तरह हमें पानी की भी भरपूर आवश्यकता है जीने के लिए। आर बॉडी नीड्स प्लेंटी ऑफ वाटर, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ड्रिंक 6 to 8 ग्लासेस ऑफ क्लीन वाटर डेली। हमारे शरीर को पानी की भरपूर मात्रा चाहिए, तो इसलिए हमें पूरे दिन में कम से कम 6 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए। नाउ वी विल लर्न अबाउट वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। वेजिटेरियन का मतलब होता है शाकाहारी और नॉन वेजिटेरियन का मतलब होता है मांसाहारी। पीपल हु ईट मीट आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन, वो लोग जो मांस अंडा मछली खाते हैं उन्हें हम नॉन वेजिटेरियन मांसाहारी कहते हैं। पीपल हु डोंट ईट मीट आर कॉल्ड वेजिटेरियन, वो लोग जो मीट नहीं खाते उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं। इंटरप्रिटेशन, पीपल हु डू नॉट ईट एनी मीट और डेयरी प्रोडक्ट आर कॉल्ड वेगन, वो लोग जो दूध से बनी चीज़ें नहीं खाते और मांस मछली नहीं खाते उन्हें हम वीगन्स कहते हैं। नाउ आई विल टेल यू सम गुड ईटिंग हैबिट, अब मैं आपको कुछ अच्छी आदतें बताऊंगी जो हमें खाना खाते समय पालन करना चाहिए जिनका। ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग मील, खाना खाने से पहले और बाद में अपने हाथों को अच्छे से धोना चाहिए। ईट योर मील्स एट फिक्स आवर्स एवरी डे, सही समय पर अपना भोजन करिए। ईट क्लीन फ्रेश एंड होम कुक्ड फूड, हमेशा साफ शुद्ध और घर का बना भोजन ही करना चाहिए। अवॉइड ईटिंग जंक फूड सच एज चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक, नूडल्स, पिज्ज़ा एंड बर्गर, ईट देम ओनली वंस अ व्हाइल। आपको जंक फूड खाना से बचना चाहिए, जैसे चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक, इनको कभी कभी खाना चाहिए। वी मस्ट च्यू आर फूड प्रॉपरली, अच्छे से चबाकर खाना खाना चाहिए। वी मस्ट सिट एट द डाइनिंग टेबल वाइल ईटिंग आर मील, अवॉइड यूजिंग गैजेट वाइल ईटिंग, हमेशा खाना डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाइए। और कुछ बच्चों को बहुत गंदी हैबिट होती है खाना खाते समय मोबाइल देखना या फिर टैब, कंप्यूटर या टीवी देखना, तो बच्चों जब आप खाना खाएं तो आपको किसी भी तरह का गैजेट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नाउ इंटरप्रिटेशन, आर बॉडी गेट्स द एनर्जी एंड नरिशमेंट फ्रॉम आर डेली डाइट, हमारी बॉडी को ताकत किससे मिलती है, खाना खाने से मिलती है। नॉट हैविंग इनफ ऑफ द राइट फूड और ईटिंग टू मच ऑफ द रॉन्ग फूड कॉजेस इलनेस, अगर हम शुद्ध और अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा, हम बीमार पड़ जाएंगे, हम किसी ना किसी रोग का शिकार हो जाएंगे। सम फूड्स आर कुक्ड वाइल सम फूड्स आर ईटन रॉ, कुछ खाना पका कर खाया जाता है और कुछ खाना कच्चा खाया जाता है। नाउ टाइम टू लुक ओवर, फूड इज आर बेसिक नीड, वी ऑल नीड फूड टू लिव। फूड क्या है, खाना हमारी ज़रूरत है और हमें जीने के लिए खाना चाहिए। वी मस्ट टेक 3 meals इन अ डे, हमें कम से कम दिन में 3 बार खाना खाना चाहिए, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। जंक फूड इज नॉट गुड फॉर आर हेल्थ, सेहत के लिए जंक फूड अच्छा नहीं है। आर डिनर शुड बी लाइट, हमेशा हमें जो रात का भोजन है वो हल्का करना चाहिए, लेकिन ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा और हेल्दी करना चाहिए। नाउ एस्टिमेशन कॉर्नर, चूज द करेक्ट ऑप्शन, पहली एक्सरसाइज में क्या करना है, आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है
लेकिन उसके लिए आपको सही ऑप्शन को चूज करना है और सेंटेंस कंप्लीट करना है. वी शुड ऑलवेज ड्रिंक डैश वाटर. हमें हमेशा कैसा पानी पीना चाहिए? क्लीन, डर्टी, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? हमें हमेशा क्लीन वाटर पीना चाहिए. नंबर टू, वी ईट लंच इन द. हम लंच कब करते हैं, कब खाते हैं? आफ्टरनून, मॉर्निंग, इवनिंग या मिड नाइट? हम खाना खाते हैं, लंच करते हैं आफ्टरनून में. वी शुड ड्रिंक 6 to 8 ऑफ वाटर एवरी डे. 6 से 8 पानी पीना चाहिए. क्या 6 to 8 ग्लासेस, बाउल्स, बॉटल्स या नन ऑफ दिस? हमें पूरे दिन में 6 to 8 ग्लासेस पानी के पीने चाहिए. नंबर फोर, पीपल हु ईट मीट आर कॉल्ड. वो लोग जो मांस खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वेजिटेरियन, वेगन्स, नॉन वेजिटेरियन या नन ऑफ दिस? उन्हें हम नॉन वेजिटेरियंस कहते हैं. नंबर फाइव, एट अ नाइट वी हैव. रात को हमें क्या चाहिए, रात को हम क्या खाते हैं? लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट या बोथ ए एंड बी? हम रात को डिनर करते हैं, रात का भोजन. नाउ एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हेल्प बॉक्स. आपको कुछ खाली स्थानों को भरना है. किसकी मदद से? एक हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, उसमें कुछ वर्ड्स हैं, उनसे आपको खाली स्थान भरने हैं. नंबर वन, फूड मेक्स अस डैश एंड डैश. फूड हमें कैसा बनाते हैं? फूड हमें हेल्दी और कैसा बनाते हैं, जल्दी बताइए. फूड हमें हेल्दी और स्ट्रांग बनाते हैं. तो हम ये दोनों ऑप्शंस यहाँ लिखेंगे तो हमारा सेंटेंस क्या बना? फूड मेक्स अस हेल्दी एंड स्ट्रांग. नंबर टू, द फूड वी ईट एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे इज कॉल्ड. वो खाना जो हम दिन के अलग अलग समय में खाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो हम हेल्प बॉक्स से देखेंगे, उसे हम मील कहते हैं. तो स्पेलिंग लिखेंगे MEAL, मील. डैश इज द लास्ट मील ऑफ द डे. दिन का सबसे अंतिम भोजन क्या कहलाता है? वो कहलाता है डिनर, जिसे हम रात को करते हैं. यहाँ लिखेंगे DINNER, डिनर. नंबर फोर एंड फाइव यू विल डू बाय योरसेल्फ. नाउ एक्सरसाइज सी, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. आपको बताना है कि जो वाक्य दिए हुए हैं वो सही है या गलत. तो सबसे पहला है, वी ईट लंच इन द मॉर्निंग. हम मॉर्निंग में लंच करते हैं. दिस इज फॉल्स, गलत है. तो हम यहाँ लिखेंगे FALSE, फॉल्स. नंबर टू, वी शुड नॉट ईट जंक फूड डेली. हमें रोज जंक फूड नहीं खाना चाहिए. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, बिल्कुल सही है. जंक फूड कभी कभी खाना चाहिए. नंबर थ्री, वी शुड च्यू आवर फूड वेल. खाना अच्छे से चबा कर खाना चाहिए. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, बिल्कुल सही बात है. नाउ द लास्ट वन, वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर. हमें साफ पानी पीना चाहिए. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. तो हम यहाँ लिखेंगे TRUE, ट्रू. सो माई डियर स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट फूड. हमने खाने के बारे में पढ़ा और कुछ गुड ईटिंग हैबिट के बारे में पढ़ा. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.